formally start the last lecture of this semester, which is about the cooling towers. So into cooling towers we will broadly cover two topics. First, of course, the introduction and then types of cooling tower and how we assess the performance of a cooling tower and some energy efficiency opportunities in cooling towers. So cooling towers, आप में से कोई बताएगा कूलिंग टावर और एक हीट एक्सचेंजर में क्या डिफरेंस होता है? एनी आइडिया? No idea. All right, I'm not surprised. So ye jo figure hai, here you can see the schematics of every cooling tower. Iska jo basic idea hai cooling towers ka wo ek hi hota hai ki ek aapke paas heat exchanger hota hai jo ki process, yahan pe aapka process hai jo bhi पावर प्लांट है या कोई भी प्रोसेस है, कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है जिसको हमने सिस्टम से रिमूव करना है, तो यहाँ पे वो हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है जिससे हम हीट सिस्टम अपने सिस्टम में से निकाल के इस वार्म वाटर के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो कूलिंग वाटर जो है वो यहाँ से आ रहा है पम्प के थ्रू हीट एक्सचेंजर में, उसने सिस्टम से अपनी हीट जो है वो ट्रांसफ़र की अपने अंदर, एंड देन द वार्म वाटर गोज़ इन टू द कूलिंग टावर. अब कूलिंग टावर में आपके पास बेसिक आइडिया क्या है कि आपके पास ऊपर जो है वो सर्टेन स्ट्रक्चर्स हैं, एंड देन यू हैव नोजल्स, और नोजल्स के थ्रू हम जो भी हमारा मीडिया है, वाटर है, मोस्टली वाटर ही यूज़ किया जाता है, वो यहाँ से स्प्रे किया जाता है. अब जब ये स्प्रे होता है तो ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और नीचे से एयर जो है उसको हम अपवर्ड ब्लो करते हैं. तो ये जब वाटर इस तरह एयर ब्लो करती है नीचे से, तो वो पार्ट ऑफ दैट वाटर दैट इज बीइंग स्प्रेड डाउनवर्ड्स इज इवेपोरेटेड, और उस इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग प्रोड्यूस होती है. और ये एयर जब यहाँ से एग्जिट में, जो जहाँ सिस्टम से एग्जिट होती है, तो उसके अंदर ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज वो सिस्टम यहाँ से अंदर से कूलिंग टावर के अंदर से जो वाटर स्प्रे कर रहे हैं वो इवेपोरेट होता है और एयर के साथ बाहर निकल जाता है. और वो जो जब इवेपोरेशन होती है तो कूलिंग प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पे जो वार्म वाटर होता है वो नीचे पहुँचते पहुँचते ठंडा हो जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे जो नीचे हमारे पास वाटर जो पहुँचता है यहाँ से स्प्रे होने के बाद, वो रिलेटिवली कोल्ड होता है, और उसके बाद फिर हम उसी कोल्ड वाटर को यहाँ से हम दोबारा पंप के थ्रू हीट एक्सचेंजर को भेज देते हैं ताकि वो एक साइकिल के थ्रू सिस्टम में से हीट ट्रांसफ़र हम करते हैं. ठीक है, ये एक बेसिक आइडिया है जो कि सब कूलिंग टावर्स में कॉमन होता है. ठीक है, अब इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें जो है वो, अब यहाँ पर आपको ड्रिफ्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये हम आगे देखते हैं ये क्या होता है. ठीक है, फ्लो मीटर आपको यहाँ पे लगा हुआ है और वहाँ से आप ब्लो डाउन कर रहे हैं. ये ब्लो डाउन सिमिलर है जो हमने बॉयलर में पढ़ा था कि जब यहाँ पे वाटर जो है हम इसको ऊपर से स्प्रे कर रहे हैं, तो एक तो सिस्टम के अंदर से थोड़ा सा जो है वो उसमें इम्प्योरिटीज आ जाती हैं वाटर में, और दूसरा ये कि जब हम एयर को ब्लो करेंगे तो एयर में भी जो गैसेज और डिजॉल्व सॉलिड्स और वट एल्स, वो सब का सब जो है वो भी वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास मिनरल सॉल्ट्स की और एसिड्स की और दूसरी जो पार्टिकल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, जिसके लिए हमें ब्लो डाउन करना पड़ता है ड्यू टू द सेम रीज़न एज वी डू ब्लो डाउन इन टर्म्स ऑफ इन केस ऑफ बॉयलर्स. ठीक है, और दूसरी बात ये कि जब हमारे पास इवेपोरेशन होती है, इवेपोरेशन होने का मतलब ये है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है वो हर साइकिल के साथ, हर टाइम के साथ साथ रिड्यूस हो जाती है इवेपोरेशन की वजह से, जिसकी वजह से हमें मेकअप वाटर जो है वो कंटिन्यूसली इसमें फीड करना पड़ता है.
कि बॉयलर में तो ये है ना कि हमारा एक क्लोज्ड सिस्टम है जिसमें से ओकेजनली लीक्स प्रोड्यूस हो जाए, वहाँ से हमारा जो है वो स्टीम जो है वो एग्जिट कर जाती है, या ब्लो डाउन जब हम करते हैं तो अमाउंट हमारी वाटर की कम हो जाती है सिस्टम के अंदर। लेकिन कूलिंग टावर में तो हम कंटिन्यूसली वाटर को ऑन पर्पस एटमोसफेयर में जो है वो एटमोसफेयर में रिलीज कर रहे हैं, तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मेकअप वाटर इज नेसेसरी इन केस ऑफ कूलिंग टावर्स। तो मेकअप वाटर है वहाँ, जो फ्लो मीटर लगा हुआ है और ट्रीटमेंट केमिकल्स है, बिकॉज ऑफ कोर्स मेकअप वाटर जो है वो आप रिवर से लेंगे या किसी रिजर्वॉयर से लेंगे, दैट मे नॉट बी अप टू द मार्क, वो हमारे सिस्टम को जो है वो डैमेज कर सकता है। तो वी नीड सम ट्रीटमेंट एंड देन दैट ट्रीटेड वाटर इज एडेड अप इन टू दिस वाटर रिजर्वॉयर इन द कूलिंग टावर, और वहाँ से फिर ये पूरा सिस्टम चलता है। ठीक है, तो ये वाली स्लाइड इज प्रॉबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस लेक्चर। यू शुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग रिटन इन दिस स्लाइड। ठीक है, अब कंपोनेंट्स ऑफ अ कूलिंग टावर। अब जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उसमें सबसे पहले जो है वो फ्रेम एंड केसिंग है। ये ह्यूज कंस्ट्रक्शन होती है आमतौर पर, जो कूलिंग टावर्स हम स्पेशली पावर हाउस में यूज करते हैं, वो दे आर मेड ऑफ कंक्रीट एंड दे आर मैसिव स्ट्रक्चर्स। तो वो जो उसके उस स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए वी नीड सम सूटेबल फ्रेम्स एंड केसिंग्स जो हम यूज़ करते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, एक्सटीरियर एनक्लोजर्स को और उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट करने के लिए। फिल जो यहाँ पे हमारे पास ही जो एयर और वाटर का इंटरेक्शन हो रहा होता है, तो एक तो ये कि सीधा सीधा जो है वो पानी आ रहा है, एयर जा रही है। रादर समटाइम वी यूज फिल्स, जो कि आप अगर आप नाउ इफ यू गो बैक टू द एक्सपेरिमेंट दैट वी परफॉर्म्ड अबाउट कूलिंग टावर, उसमें टाइप ऑफ फिल्स जो है ना वो मेंशन होगी टाइप ए। तो फिल बेसिकली क्या करता है कि जो कॉन्टेक्ट है एयर और वाटर का उसको मैक्सिमाइज करता है, सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन एयर एंड वाटर इज मैक्सिमाइज बाय द फिल। और जब सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो ऑफ कोर्स हीट ट्रांसफर भी ज़्यादा हो जाती है। अब इसमें दो टाइप्स होते हैं, स्प्लैश फिल और फिल्म फिल। वी डोंट हैव टू गो इनटू द डिटेल राइट नाउ, आगे जाके इसको हम देखते हैं। कोल्ड वाटर बेसिन, जो यहाँ पे नीचे जो सारा आपका यहाँ पे जो वाटर कलेक्ट हो रहा होता है, और जो बेसिकली जो मेन रिजर्वायर होता है कूलिंग टावर का, दैट इज कॉल्ड वाटर बेसिन और कोल्ड वाटर बेसिन। ड्रिफ्ट एलिमिनेटर्स, दे कैप्चर ड्रॉपलेट्स इन द एयर स्ट्रीम। इस केस में आप देखें यहाँ पे कि यहाँ पे ड्रॉपलेट्स बने हुए हैं। तो ड्रॉपलेट्स बेसिकली क्या है कि एक तो आपका जो एयर ने जो जो स्प्रे है आपका वाटर का, जो वार्म वाटर का स्प्रे है, वहाँ से उसके साथ इंटरेक्ट करके इवेपोरेशन हुई और वाटर वेपर्स, वाटर रिमेंबर वाटर वेपर्स आर डिफरेंट देन ड्रॉपलेट्स। वाटर वेपर्स आर बेसिकली कंसिडर्ड वाटर इन गैस फेज, जबकि ड्रॉपलेट्स जो होते हैं दे आर नॉट इन गैस फेज, दे आर स्टिल इन लिक्विड फेज। और इफ यू आर कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर दैट हैज टू बी कंटेन इन द सिस्टम, वाटर ड्रॉपलेट्स आर अ बिग लॉस, बिकॉज वो जितना ड्रॉपलेट्स अगर इस तरह यहाँ पे हम ड्रिफ्ट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत सारा वाटर इन फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स जो है वो सिस्टम से एस्केप कर जाएगा, और वो बेसिकली हमारा एक लॉस है बिकॉज ड्रॉपलेट्स आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी कूलिंग इफेक्ट। वाटर वेपर्स दे प्रोड्यूस कूलिंग वाइल दे आर बीइंग कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड फेज टू गैस फेज, बट वाटर ड्रॉपलेट्स पहले भी लिक्विड फेज में थे, वो बाद में भी लिक्विड फेज में है, तो वो फेज चेंज नहीं हुई जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर नहीं हुई, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ। दैट मीन्स के इन टर्म्स ऑफ कूलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स आर बेसिकली प्रपोजिंग अ लॉस इन द ओवरऑल सिस्टम एफिशिएंसी। तो एक तो ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि जितना ज़्यादा वाटर लॉस होगा इन टर्म्स ऑफ ड्रॉपलेट्स, उतना ही ज़्यादा हमें मेकअप वाटर भी सिस्टम में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और उतना ज़्यादा हमें ट्रीटमेंट केमिकल्स भी यूज़ करने पड़ेंगे विदाउट गेटिंग एनी बेनिफिट फ्रॉम दैट। ठीक है, तो इसीलिए ड्रिफ्ट को एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। ड्रिफ्ट इज़ बेसिकली कि वो वाटर ड्रॉपलेट्स
जो अपवर्ड मूविंग एयर के साथ ड्यू टू द फार ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ एयर और ड्यू टू मोमेंटम ऑफ एयर जो ड्रॉपलेट्स जो है वो एस्केप करते हैं उनको हम ड्रिफ्ट कहते हैं, और उसको एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ड्रिफ्ट एलिमिनेटर जो है वो हम यूज़ करते हैं, विच बेसिकली कैप्चर द ड्रॉपलेट्स इन एयर स्ट्रीम। एयर इनलेट है, एंट्री पॉइंट ऑफ एयर ये ऑफ कोर्स नीचे की तरफ से होता है। लूवर्स हैं, दे इक्वलाइज एयर फ्लो इन टू द फिल एंड रिटेन वाटर विद इन द टावर। नोजल्स हैं, दे स्प्रे वाटर टू वेट द फिल। ठीक है, एक बार वैसे भी बना वो पानी ऊपर नीचे गिराना शुरू कर दें तो वो जो है वो प्रॉपरली स्प्रेड आउट नहीं होगा। जबकि वी वॉन्ट टू हैव अ मैक्सिमम सरफेस एरिया और मैक्सिमम कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड एयर, तो उसके लिए हम नोजल्स और लूवर्स यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो वाटर है जो हम ऊपर से एक तो हम उसको स्प्रे करें जिसकी वजह से वो एक जगह पे फॉल आउट ना करे, बल्कि वो पूरे एक एरिया के ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और सिमिलरली लूवर्स जो है वो एयर फ्लो को इक्वलाइज कर देते हैं, कि ये ना हो कि एयर फ्लो जो है वो सिर्फ सेंटर में हो रहा है और साइडों पर नहीं हो रहा, तो उसको एयर और वाटर फ्लो को बैलेंस करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ओवर द एंटायर एरिया वी यूज लोवर्स एंड नोजल्स। और फिर हम यूज़ करते हैं फैंस जो कि एयर फ्लो को मेंटेन रखते हैं इन केस ऑफ इंड्यूस्ड और फोर्स्ड टाइप कूलिंग टावर्स। अगर तो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर है तो उसमें ऑफ कोर्स फैंस नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन अगर फोर्स्ड ड्राफ्ट है या इंड्यूस्ड ड्राफ्ट है उसके अंदर हम फैंस यूज़ करेंगे। सो दे आर एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ कूलिंग टावर। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर्स को हम देखते हैं। बेसिकली दे आर टू टाइप्स, टू मेन टाइप्स, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स और सेकेंड है फोर्स ड्राफ्ट या इंड्यूस ड्राफ्ट भी आप उनको कह सकते हैं। आगे से इंड्यूस ड्राफ्ट की डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि आप उनको सब क्लासेस कह सकते हैं, बट अगर हम मेन क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो दो ही हैं, एक नेचुरल ड्राफ्ट और एक इंड्यूस ड्राफ्ट। अब नेचुरल ड्राफ्ट में क्या हुआ कि प्रिंसिपल इज सेम, हॉट वाटर मूव्स थ्रू द टावर, ऊपर से नीचे आता है हॉट वाटर, फ्रेश कूल एयर इज ड्रॉन इन टू द टावर फ्रॉम बॉटम, नो फैन रिक्वायर्ड। ठीक है, अब चूंकि यू नो वेन एवर द एयर इज हीटेड अप इट मूव्स अपवर्ड, तो वही इफेक्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं नेचुरल ड्राफ्ट में। वही सेम प्रिंसिपल जो फर्नेसेज में भी हमने यूज किया था वही प्रिंसिपल यहाँ पे भी आएगा, कि हम नेचुरल जो ड्राफ्ट है जो कन्वेक्शन करंट है एट ऑफ एयर एट डिफरेंट टेम्परेचर वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और ये वाला जो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स है ये बेसिकली हम जो भी मैसिव कूलिंग लोड्स होते हैं उनमें यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल पावर प्लांट्स, कोल फायर पावर प्लांट्स या एटॉमिक पावर प्लांट्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीटिंग लोड होता है। तो इतने बड़े बड़े फैंस हम नहीं लगा सकते बिकॉज वो दैट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ एनर्जी, तो उसके बजाय हम नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स की तरफ जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें कंक्रीट के टावर्स होते हैं विच आर अप्रॉक्सीमेटली और लार्जर देन 200 मीटर एंड दे आर यूज फॉर लार्ज हीट ड्यूटीज। देखो तो आपको जो यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो भी कोल फायर पावर प्लांट्स हैं यहाँ पे, इवन स्टीम पावर प्लांट्स हैं वहाँ पे, आप कूलिंग टावर्स यूज़ कर रहे हैं वो यूजुअली नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स होते हैं। ठीक है, अब ये दो टाइप्स के जो है ना वो फर्दर टाइप्स हैं, बट दे आर वेरी लेस कॉमन, बट आई स्टिल वॉन्टेड टू कन्वे दिस टू यू कि नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स में फर्दर दो क्लासिफिकेशन होती हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज काउंटर फ्लो कूलिंग टावर। काउंटर फ्लो कूलिंग टावर्स में क्या होता है कि आप ऊपर से जो है ना वो वाटर ऊपर से आ रहा है और एयर नीचे से जा रही है, इसका बेसिक प्रिंसिपल है काउंटर फ्लो का। और क्रॉस फ्लो में क्या होता है कि आपकी एयर जो है ना वो साइड से आ रही है और वाटर जो है वो जो इंटरेक्शन बिटवीन एयर एंड वाटर जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा होता है, यहाँ पे नहीं हो रहा होता। अगर मतलब डायरेक्शन जो है बिटवीन द इंटरेक्शन ऑफ एयर एंड वाटर वो यहाँ पे क्रॉस फ्लो में आपकी एट 90 डिग्रीज होती है, एज द नेम सेज इट्स क्रॉस फ्लो। और जो काउंटर फ्लो है उसमें आपकी एयर जो है वो नीचे से आ रही है और वाटर ऊपर से नीचे आ रहा है, और वहाँ पे हमारी
इंटरक्शन हो रही होती है। ठीक है, यहाँ पर बेशक एयर इन लिखा हुआ है लेकिन ये सिर्फ एयर इनलेट है। यहाँ के बाद यहाँ से अंदर आके आपकी एयर जो है वो अपवर्ड मूव करना शुरू कर देती है, और यहाँ पे पूरे सिस्टम में आपके पास यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रही होती है बिटवीन एयर एंड वाटर। जबकि यहाँ पे जो एयर है वो पूरे सिस्टम में जहाँ जहाँ पे भी आपके फिल्स यूज हो रहे हैं, एयर जो है वो हमेशा 90 डिग्री पे आ रही होगी और वाटर जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा। ठीक है, अब मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स हैं। मैकेनिकल ड्राफ्ट आप कैसे, मैकेनिकल ड्राफ्ट भी अब मैनी डिफरेंट नेम्स, मैकेनिकल ड्राफ्ट, फोर्स ड्राफ्ट और इंड्यूस ड्राफ्ट, सो ऑल ऑफ दैट मीन्स द सेम थिंग। इसमें क्या होता है, वी यूज लार्ज फैंस टू फोर्स एयर थ्रू सर्कुलेटेड वाटर। ठीक है, नेचुरल ड्राफ्ट में वी नेवर यूज एनी फैन, बट इन फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स वी ऑलवेज यूज फैंस टू फोर्स एयर थ्रू द वाटर। वाटरफॉल्स ओवर फिल सर्फेसिस, तो सर चूँकि फिल्म हम यूज़ करते हैं तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, वी हैव अ मैक्सिमम हीट ट्रांसफर एंड कूलिंग रेट डिपेंड्स ऑन मैनी डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, अब इसमें लार्ज रेंज ऑफ कैपेसिटीज है बिकॉज ऑफ कोर्स रेंज डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ फिल्म एंड ऑफ कोर्स हाउ यू डिज़ाइन इट एंड हाउ मच कैपेसिटी अ फैन कैन हैंडल। अब इसमें ये चीज है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैपेसिटी हियर इन केस ऑफ मैकेनिकल ड्राफ्ट और फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट लार्ज एज वेल एज स्मॉलर कैपेसिटी कूलिंग टावर्स। जबकि नेचुरल ड्राफ्ट में वी नेवर यूज अ स्मॉलर कैपेसिटी कूलिंग टावर, वो हमेशा हम लार्ज कैपेसिटी और हाई हीटिंग लोड्स के लिए यूज करते हैं। बट इन मैकेनिकल ड्राफ्ट वी कैन गो फ्रॉम लार्ज हीटिंग लोड टू स्मॉल हीटिंग लोड्स। ठीक है, एंड दे कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड फॉर एग्जाम्पल इन 8 cell tower और 12 cell tower डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स। अब ये जो मैकेनिकल ड्राफ्ट हैं इसमें तीन टाइप्स होती हैं, फोर्स ड्राफ्ट, इंड्यूस ड्राफ्ट क्रॉस फ्लो एंड इंड्यूस ड्राफ्ट काउंटर फ्लो। ठीक है, अब ये क्रॉस फ्लो और काउंटर फ्लो ये अगेन यहाँ पे भी जो है वो यू सी द सिमिलर नेम्स, बट अगेन आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई इट इन टर्म्स, इन केस ऑफ नेचुरल ड्राफ्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी ऑलवेज यूज द काउंटर फ्लो, बिकॉज क्रॉस फ्लो में भी आप आगे जाके देखें यू नीड टू हैव एडिशनल एनर्जी इनपुट फॉर क्रॉस फ्लो। काउंटर फ्लो में क्या है कि आपने ऊपर से वाटर फ्लो कर दिया, वो खुद ही अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाएगा और कुछ उसमें से एवेपोरेट होके एयर के साथ बाहर निकल जाएगा। बट इन क्रॉस फ्लो यू नीड टू स्प्रे इट विद ग्रेटर मोमेंटम सो दैट इट रिमेन्स देयर। ठीक हो गया, अब यहाँ पे फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास फैन लगा हुआ है, ये हमारे पास एयर आ रही है और हॉट वाटर यहाँ से है, ये स्प्रे हो रही है और यहाँ से जो हमारा फैन है वो इसको फोर्स कर रहा है ऊपर की तरफ, वाटर ऊपर से नीचे आ रही है, हमारा फिल सरफेस है और ये हॉट वाटर यहाँ से जा रहा है, स्प्रे होता है फिल में, कूल डाउन होता है, उसके बाद नीचे यहाँ पे कोल्ड वाटर रिजर्वायर हमारा जो है वो वाटर कूल डाउन हो जाता है, उसके बाद हम उसको दोबारा यूज़ कर लेते हैं। ये सिंप्लीफाइड किस्म की डायग्राम है टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल। ठीक है, एयर इज ब्लोन थ्रू द टावर बाय सेंट्रीफ्यूगल एट एयर इनलेट, एडवांटेज इज सूटेबल फॉर हाई एयर रेजिस्टेंस एंड फैंस आर रिलेटिवली क्वाइट, डिसएडवांटेज रीसर्कुलेशन ड्यू टू हाई एयर एंट्री एंड लो एयर एग्जिट वेलोसिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे फिल जो है यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा जो प्रेशर ड्रॉप होता है, तो यहाँ पे आपके पास एयर वेलोसिटी ज़्यादा है और यहाँ पे एयर वेलोसिटी कम होती है, जिसकी वजह से रीसर्कुलेशन इफेक्ट होता है। इन अदर वर्ड्स यू नीड टू हैव सम एक्स्ट्रा वर्क इनपुट टू मेंटेन द फ्लो। ठीक है, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट है। अब इंड्यूस्ड ड्राफ्ट और फोर्स ड्राफ्ट में एक बेसिक सा डिफरेंस है, उस चीज़ को आप समझ लें कि इंड्यूस ड्राफ्ट और फोर्स ड्राफ्ट में एक बेसिक डिफरेंस है, वो कि फोर्स ड्राफ्ट में यू आर बेसिकली फोर्सिंग द एयर थ्रू द फिल, आप उसको फोर्स कर रहे हैं, इन अदर वर्ड्स यू आर पुशिंग द एयर थ्रू द फिल, यहाँ से नीचे से आप उसको फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। जबकि इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में
यू सी द फैन इज ऑन द अपर साइड, सो यू आर बेसिकली पुलिंग द एयर थ्रू द फिल सेक्शन. ठीक है, ये सारा जो फिल सेक्शन है इसके यहाँ से आप इसको पुलिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि जो एयर की वेलोसिटी यहाँ पे है वही एयर की वेलोसिटी यहाँ पे भी होती है, बिकॉज यू आर बेसिकली क्रिएटिंग अ पुलिंग इफेक्ट. इसकी वजह से हमारे पास जो रिसर्कुलेशन है वो कम होती है कंपेयर टू द फोर्स ऑफ कूलिंग टावर्स. डिसएडवांटेज इसी है कि फैंस एंड मोटर ड्राइव दे नीड टू बी वेदर प्रूफ, बिकॉज यहाँ पे तो आपका फैन जो है वो यहाँ पे एक इनक्लोज चैम्बर में लगा हुआ है, बट हेयर द फैन एंड द मोटर दे आर एक्सपोज टू द एटमोसफेयर, सो दे नीड टू बी वेदर प्रूफ एंड मोर रोबस्ट. ठीक है, ओके. इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये आपकी ये काउंटर फ्लो है, इसमें फेल नहीं है, और ये भी काउंटर फ्लो है, बस इसमें इन्होंने फेल लगा दिया, इसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, तो ऑफ कोर्स उसकी जो एफिशिएंसी है कूलिंग टावर की वो भी इंक्रीज कर जाएगी. ठीक है, ये हमारे पास है क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर्स, इसमें वाटर जो है वो ऊपर से आ रहा है और जो एयर जो है वो साइड से जा रही है. इसका डिज़ाइन हमने इस तरह से बनाया है कि एयर जो है उसकी एंट्री इस तरह साइड से, और जो फिल है वो उस मतलब उसका स्ट्रक्चर इस तरह से कि एयर इज एयर एंड वाटर दे आर मूविंग ऑर्थोगोनली एट 90 डिग्रीज टू ईच अदर. फिर यहाँ से फिल से निकल के जो एयर है वो ऊपर निकल जाती है और जो वाटर जो है वो कूल डाउन होकर नीचे बेसिन में आ जाता है, उसके बाद आगे हम इसको दोबारा से यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास है क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर का बेसिक आइडिया. Any questions till now? And are you guys even listening? Yes, sir. Okay. No questions? No, sir. No, sir. Clear. Okay, all right. अब कूलिंग टावर्स की असेसमेंट को हम देखते हैं कि हम कूलिंग टावर्स की परफॉर्मेंस को कैसे असेस कर सकते हैं. अब ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि हम मेजर करते हैं आमतौर पर कूलिंग टावर्स के लिए. तो जो बड़े कूलिंग टावर्स होते हैं उसमें तो वी नीड टू कंटिन्यूसली मॉनिटर ऑल दीज वैल्यूज. ठीक है, उसमें वेट बल्ब टेम्परेचर है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर है एयर का, कूलिंग टावर का इनलेट और आउटलेट पर जो वाटर टेम्परेचर है, बिकॉज ये बेसिकली दो मेन चीज़ें हैं कि इनलेट के ऊपर वाटर का टेम्परेचर क्या है और आउटलेट के ऊपर वाटर का टेम्परेचर क्या है, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि कूलिंग टावर हमारा कितनी कूलिंग प्रोड्यूस कर रहा है. फिर एग्जॉस्ट एयर टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिकल रीडिंग्स ऑफ पंप्स एंड फैन मोटर्स, वाटर फ्लो रेट, एयर फ्लो रेट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें मेजर करनी पड़ेंगी फॉर द असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कूलिंग टावर. परफॉर्मेंस के कुछ पैरामीटर्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर दैम. रेंज, अप्रोच एंड इफेक्टिवनेस, ये तीन मेन चीज़ें हैं. उसके बाद जो है ये बेसिकली दे आर मोर रिलेटेड टू लाइक द एफिशिएंसी ऑफ अ कूलिंग टावर इन टर्म्स ऑफ द कूलिंग इफेक्ट दैट इट्स प्रोड्यूसिंग. बाकी जो है दैट इज़ मोर रिलेटेड टू द सूटेबल ऑपरेशन ऑफ द कूलिंग टावर. ठीक है, ये इन चीज़ों में अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो डजंट रियली मैटर, एज लॉन्ग एज द इफेक्टिवनेस of the cooling tower is at par. ठीक है, अब रेंज को हम देखते हैं, रेंज क्या होती है. अब ये तीन टेम्परेचर्स हैं हमारे पास. सबसे ऊपर है हॉट वाटर टेम्परेचर जो कि इनलेट है कूलिंग टावर का, ऑफ कोर्स वो ज़्यादा होगा टेम्परेचर. उसके बाद कूलिंग वाटर का आउटलेट टेम्परेचर, ऑफ कोर्स जब कूलिंग वाटर के थ्रू जो है जब वाटर गुजरेगा तो उसका टेम्परेचर जो है वो हॉट वाटर टेम्परेचर से कोल्ड वाटर टेम्परेचर तक रिड्यूस हो जाएगा, बट दैट आउटलेट टेम्परेचर वुड स्टिल बी हायर देन द वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ एम्बियंट एयर. ऐसा नहीं होगा कि कूलिंग टावर में अगर फॉर एग्जाम्पल ऊपर से जितने भी टेम्परेचर पे एयर वाटर आ रहा है आउटसाइड टेम्परेचर 25 डिग्रीज है तो कूलिंग टावर हमारा
25 डिग्रीज तक उसको कूल डाउन कर देगा। ऐसे नहीं होता कभी भी, हमेशा जो कोल्ड वाटर इज नॉट रियली कोल्ड, बट इट्स ओनली वी आर टॉकिंग कंपैरेटिवली इट्स कोल्डर कंपेयर टू द हॉट वाटर टेम्परेचर, बट स्टिल दैट कोल्ड वाटर टेम्परेचर इज हायर देन द वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ एम्बियंट एयर। तो रेंज बेसिकली हम इसको कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन कूलिंग वाटर इनलेट एंड आउटलेट टेम्परेचर। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टेम्परेचर डिफरेंस है दैट इज नोन एज द रेंज। ठीक है, हाई रेंज मीन्स गुड परफॉर्मेंस। अप्रोच, अप्रोच इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द कोल्ड वाटर टेम्परेचर एंड द वेट बल्ब टेम्परेचर। इन अदर वर्ड्स रेंज जो है वो टेम्परेचर रेंज है जो कि हमारे कूलिंग टावर ने इफेक्टिवली कूल डाउन किया है वाटर को उस रेंज में, और अप्रोच वो रेंज है जो कि कूलिंग टावर को करनी चाहिए थी लेकिन नहीं कर सका, बिकॉज यू नो नो थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज 100% एफिशिएंट, नेवर इज। अगर तो 100% एफिशिएंट होता तो कोल्ड वाटर टेम्परेचर जो इनलेट, सॉरी जो इनलेट पे हॉट वाटर टेम्परेचर जो भी होता, जो कोल्ड वाटर टेम्परेचर है जो आउटलेट के ऊपर, वो हमेशा वेट बल्ब टेम्परेचर के ऊपर आ जाता, लेकिन ऐसे पॉसिबल नहीं होता। तो वो टेम्परेचर रेंज जो कि अचीव होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो सकी, दैट इज नोन एज अप्रोच। और इन अदर वर्ड्स बाय डेफिनेशन द डिफरेंस बिटवीन कूलिंग टावर आउटलेट कोल्ड वाटर टेम्परेचर एंड द एम्बियंट वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, सिमिलरली लो अप्रोच मीन्स गुड परफॉर्मेंस। अगर अप्रोच ज़्यादा है इसका मतलब है कि वी आर नॉट एक्चुअली प्रोड्यूसिंग इनफ कूलिंग इफेक्ट। अब इफेक्टिवनेस की बात आती है, तो इफेक्टिवनेस ऑफ ए कूलिंग टावर इज रेंज डिवाइडेड बाय रेंज प्लस अप्रोच। मतलब कि वो रेंज जो एक्चुअली प्रोड्यूस हुई है डिवाइडेड बाय वो रेंज जो प्रोड्यूस होनी चाहिए थी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि रेंज और अप्रोच का सम, ये वो टेम्परेचर डिफरेंस है जो प्रोड्यूस होना चाहिए था लेकिन नहीं हो सका। जो एक्चुअली क्या प्रोड्यूस हुआ वो हुआ सिर्फ रेंज के इक्वल। तो इसके जरिए से हम इफेक्टिवनेस जो है वो कैलकुलेट करते हैं कि कूलिंग टावर की इफेक्टिवनेस कितनी है। ठीक है, अब ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आप जो है ना वो समझ लें, याद कर लें। इसकी कोई केस स्टडी तो नहीं है लेकिन इट्स प्रॉबेबल कि मैं आपसे पूछ लूँ कि ये कूलिंग वाटर में जो है वो इनलेट और आउटलेट के ऊपर ये कंडीशन है और एम्बियंट एयर का जो है टेम्परेचर ये है, कंडीशन ये है, तो भाई उसका कैलकुलेट करेंगे जी कितनी इफेक्टिवनेस है, तो मैं ये पूछ सकता हूँ। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट रिमेम्बरिंग सच फार्मूलाज। ठीक है, अब ऑफकोर्स इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि वी हैव अ गुड परफॉर्मिंग कूलिंग टावर। कूलिंग कैपेसिटी है, सो दैट कूलिंग कैपेसिटी इज अ फॉर्मूला ऑफ अ मास फ्लो रेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, एम सी डेल्टा टी जो आपका बड़ा टिपिकल फार्मूला है ना, एम सी डेल्टा टी, तो वो आपके पास यहाँ पे आएगा कूलिंग कैपेसिटी में। अब ये टेम्परेचर डिफरेंस आपने कौन सा लेना है, कोई बताएगा मुझे? यहाँ पे हमने जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कौन सा टेम्परेचर डिफरेंस लेना है कूलिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए? ओके, आपने नहीं बताना, इट्स अप टू यू, बट आई ऑल्सो लीव इट टू यू कि अगर आपने ठीक है, आप वट एवर यू थिंक यू शुड टेल, अगर आप नहीं बता रहे तो आई लीव यू टू यू। इसको देख लीजिएगा कि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस हमने कौन सा वाला लेना, रेंज लेना है, अप्रोच लेना है, या रेंज प्लस अप्रोच लेना है, क्या लेना है, आई लीव इट टू यू गाइस। वेपोरेशन लॉस, वेपोरेशन लॉस इज बेसिकली इट क्वान्टिफाइज के आपका कितना जो वाटर क्वान्टिटी जो है वो इवेपोरेट हो रही है फॉर कूलिंग ड्यूटी।
अब जितनी कूलिंग प्रोड्यूस होगी उसी हिसाब से आपके पास एवेपोरेशन लॉस भी होगा, ठीक है। तो इसमें इसका जो फॉर्मूला है वो एक रूल ऑफ थंब वाला फॉर्मूला जो है वो इसका यूज किया था, 1.8 टाइम सर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय T1 माइनस T2। तो यहाँ से हम जो है एवेपोरेशन लॉस कैलकुलेट करते हैं, और जितना एवेपोरेशन लॉस होता है उतना ही हमें मेकअप वाटर इसके अंदर इंड्यूस करना चाहिए। अब इस एवेपोरेशन जो लॉस है वो होगा इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब पर आवर्स। तो मीटर क्यूब पर आवर्स के हिसाब से हमें मेकअप वाटर जो है वो सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस करना, ताकि हमारा वाटर लेवल जो है वो कम ना हो जाए। साइकिल्स ऑफ कंसंट्रेशन में बेसिकली कॉरेस्पॉन्ड्स टू द डिजॉल्व सॉलिड्स और द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व सॉलिड्स इन द वाटर। सो इट्स बेसिकली रेशियो ऑफ डिजॉल्व सॉलिड्स इन सर्कुलेटिंग वाटर टू द डिजॉल्व सॉलिड्स इन मेकअप वाटर, ठीक है। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। लिक्विड टू गैस रेशियो इज ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई विल जस्ट स्किप इट। सो एनर्जी एफिशिएंसी अपॉर्चुनिटीज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अंटिल नाउ यू कैन आस्क। नो क्वेश्चंस? एग्जाम में पता चलेगा बेटा आपको कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए थे कि नहीं। आखिरी टाइम पे आप लोग आ जाएंगे क्वेश्चंस करने के लिए, उस टाइम मैं फिर आपको जवाब नहीं दूंगा। पहले आप लोग पता नहीं क्या सोए होते हैं लेक्चर के दरमियान में। आई एम श्योर सब सोए हुए हैं, एक का भी एक की भी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। नहीं ओके, आई विल देन स्किप थ्रू एनर्जी एफिशिएंसी अपॉर्चुनिटीज क्विकली सिंस अपेरेंटली यू गाइस आर नॉट इंटरेस्टेड। सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्किप द डिटेल्स, यू कैन डू इट लेटर ऑन योर ओन। तो एनर्जी एफिशिएंसी एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज जी, सर जो हीट कैपेसिटी थी उसमें टेम्परेचर डिफरेंस जो यानी रेंज वाला लेंगे ना कहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं? इस स्लाइड की बात कर रहे हैं आप? कूलिंग कैपेसिटी की? जी सर, इसमें आपने टेम्परेचर डिफरेंस कहा था तो सर रेंज वाला लेंगे ना हॉट वाटर टेम्परेचर। जी, बिकॉज यू कैन सी इट हियर कि हीट रिजेक्टेड की बात हम कर रहे हैं, तो हीट रिजेक्टेड बाय वाटर वही होगी जो वाटर के टेम्परेचर्स के जरिए से कैलकुलेट हम करेंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द हीट रिजेक्टेड बाय द वाटर, वो वहीं से ही आएगी जो वाटर का टेम्परेचर डिफरेंस है। ओके यस, इट शुड बी द रेंज। सो एनर्जी एफिशिएंसी अपॉर्चुनिटीज बेसिकली चार क्लासेस में हम इसको डिवाइड करते हैं, और उसके अलावा कुछ जो है वो डिस्क्रीट अपॉर्चुनिटीज भी हैं, बट मेनली दे हैव फोर क्लासेस। सो एफिशिएंसी अपॉर्चुनिटीज वाइल सेलेक्टिंग अ कूलिंग टावर, वाइल सेलेक्टिंग फेल्स, पंप्स एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, फैंस एंड मोटर्स, हम इसको देखते हैं। अब जब कूलिंग टावर को हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमने उसकी कैपेसिटी देखनी। वी नीड टू गेट अ सेलेक्ट अ कूलिंग टावर दैट इज मोर सूटेबल फॉर द कैपेसिटी दैट वी नीड। तो उसमें हीट डिसिपेशन कितनी है, सर्कुलेटेड फ्लो रेट कितना और अदर फैक्टर्स, तो कैपेसिटी शुड बी ऑप्टिमाइज्ड ऐसे। अब ये जब डिटेल में जाएंगे, जब डिटेल स्पेसिफिकेशन में जाते हैं, वो हम वहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर्स, ऑफ कोर्स वो आपको मैन्युफैक्चरर्स या जो भी सप्लायर्स हैं आपके, वहाँ से आपको डाटा चार्ट्स मिलेंगे, डाटा मिलेगा, एंड यू कैन देन एनालाइज बेस्ड ऑन दैट डाटा कि विच पर्टिकुलर कूलिंग टावर इज सूटेबल फॉर स्मॉलर कैपेसिटी और मीडियम कैपेसिटी और हायर कैपेसिटी, ठीक है। तो कैपेसिटी जब हम कूलिंग टावर को जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें हमने कैपेसिटी को हमने देखना है, ताकि हम मोर एफिशिएंट ऑपरेशन की तरफ जा सकें।
ठीक है, फिर रेंज की बात देखते हैं कि रेंज शुड बी डिटरमिन्ड बाय द प्रोसेस नॉट बाय द सिस्टम। ठीक है, अप्रोच जो है वो उसकी क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी क्लोजर टू द वेट बल्ब टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ कोर्स इफ द टेम्परेचर इफ द अप्रोच इज टू हाई दैट मीन्स देर इज अ लॉट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वेट बल्ब टेम्परेचर एंड द कूलिंग वाटर आउटलेट टेम्परेचर। वो सर, एक जी प्रोसेस और सिस्टम में यानी एक ही होगा ना, सिस्टम जो प्रोसेस परफॉर्म करेगा उसी से हमें रेंज मिलेगी। तो इसमें लिखा है रेंज डिटरमाइंड बाय प्रोसेस नॉट बाय सिस्टम। प्रोसेस का मतलब ये है कि जिस प्रोसेस को आपने कूल डाउन करना है वो टेम्परेचर वो रेंज लेनी है आपने। आपका जो कूलिंग टावर का सिस्टम है ना वो उसको नहीं आपने देखना कि ये कितनी रेंज प्रोड्यूस कर सकता है, यानी विच मीन्स के द रेंज दैट इज डिटरमिन्ड बाय द प्रोसेस शुड बी यूज्ड टू डिसाइड विच कूलिंग टावर शुड बी सिलेक्टेड। अब फॉर एग्जाम्पल आप कूलिंग टावर को साथ में इंकॉर्पोरेट कर लें और उसके बाद उसकी जो रेंज आएगी वो कम होगी एज कंपेयर टू द रेंज दैट इज बीइंग नीडेड बाय द प्रोसेस, तो वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपको जो अपने कूलिंग टावर की ऑप्टिमम कंडीशंस के ऊपर ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, मतलब कि आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन डिफरेंट वे कि आप एनालाइज कर रहे हैं, अपने डाटा को एनालाइज कर रहे हैं, आपने कूलिंग टावर को सिलेक्ट करना है, आपका जो प्रोसेस है दैट नीड्स अ रेंज ऑफ 70 केल्विन फॉर एग्जांपल, 70 केल्विन, यस लेट्स सपोज 70 केल्विन, तो आपने वो रेंज जो 70 केल्विन की है वो जेन में रख के फिर आपने सेलेक्ट करना है कूलिंग टावर जो कि आपको 70 डिग्री 70 केल्विन की रेंज जो है वो दे सके। आपने पूरे सिस्टम को एट अ टाइम इवेलुएट नहीं करना कि आपने वो प्रोसेस को भी लगा लिया साथ में आपने कूलिंग टावर को भी लगा लिया फिर आपने डिटरमिन किया कि रेंज कितनी आ रही है हमारे पास, उसमें आपको एरर के चांसेस हैं कि आप जब दोनों को एनालाइज करते हैं क्योंकि आप अपने कूलिंग टावर के पैरामीटर्स को पहले डिफाइन कर देंगे जब आपने उसको साथ में लगाया, तो अपेरेंटली ऐसे हो सकता है क्योंकि दोनों को मिला के ना कुछ जो चीज बने ना वो आपको 50 केल्विन की रेंज दे रही हो, इट इज पॉसिबल, लेकिन क्या होगा जब आप उसको लगाएंगे तो आपका जो प्रोसेस है दैट विल नीड अ रेंज ऑफ 70 केल्विन द कूलिंग टावर विल प्रोड्यूस अ रेंज ऑफ 50 केल्विन, वो आपके लिए एक इनएफिशियंट ऑपरेशन हो जाएगा बिकॉज इन दैट केस आइदर यू हैव टू डाउन साइज और डाउन स्केल द प्रोसेस और यू हैव टू चार्जिंग। हाँ यार, जनेद पता करी सारे किधर चले गए ने।
असीब बेटा असीब जुनैद सर किधर गए हैं? जुनैद जुनैद जिंदा जुनैद सीधे कोई तो बोलो। हाँ जी हाँ जी किथे सो रहा है तेरा मुंडा नहीं बोल रहा पे बेच अपना मुंडे ने पूछ किथे है गया लेकिन बैग भी तो पैसा लगता घर बैठे आ जाता था तोड़ा बने हैं बैग भी तो बेच दो ना माई सॉरी गाइस मेरा लैपटॉप ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो गया सो दिस वेट आई विल रिज्यूम द लेक्चर So, okay, you can see the slides now, right? Yes, sir. Okay. या सो मैं आपको बता रहा था कि आपने प्रोसेस को पहले डिटरमिन करना है रेंज को प्रोसेस से डिटरमिन करना है पूरे सिस्टम के साथ में सिस्टम आल्सो इंक्लूड्स द कूलिंग टावर ठीक है तो जो उसकी जो अप्रोच जो है ना दैट शुड बी क्लोजर अप्रोच को आपने इस तरह से डिसाइड करना है कि जो अप्रोच है ना वो कम से कम हो और जो कूलिंग वाटर आउटलेट टेम्परेचर है दैट शुड बी क्लोजर टू द वेट ब्लड टेम्परेचर ठीक है अब उसमें ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना आप अगर उसको ज़्यादा डाउन करने की कोशिश करें कूलिंग वाटर आउटलेट टेम्परेचर को तो आपका कूलिंग टावर का साइज़ भी ज़्यादा हो जाएगा और वो एक्सपेंसिव भी ज़्यादा हो जाएगा एंड अगेन ये क्लासिक ऑप्टिमाइजेशन एग्जांपल आ जाती है यहाँ पे जहाँ पे आपको एट द एंड ये डिसीजन लेना होता है कि आपने कितनी मैक्सिमम हद तक अपने कूलिंग टावर को जो है उसकी जो उसकी जो रेंज है उसको बढ़ाना है आपने अगेन वी गो बैक टू द सेम यूनिवर्सल फार्मूला कि हम हमेशा इन दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं कि अगर हम जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो लगाएंगे एक बिगेस्ट साइज ऑफ कूलिंग टावर के लिए वो एक्स्ट्रा एक्सपेंस हमें कितने टाइम में वापस मिलेगा जो हमारे पास जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कितने टाइम में मिलेगा अगर तो वो टाइम जस्टिफाइड है तो फिर हम बिगर साइज ऑफ कूलिंग टावर पे चले जाएंगे अगर तो वो जस्टिफाइड नहीं है तो हम एक्स्ट्रा बड़े साइज के कूलिंग टावर में जाते हैं बट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें 150 साल में मिल रहा है तो वी विल नॉट गो फॉर दैट ये हमेशा प्रिंसिपल होता है जब भी हमें डिसाइड करना हो बिटवीन गेटिंग हाई एफिशेंसी इक्विपमेंट एंड बिटवीन हाई एफिशेंसी इक्विपमेंट एंड बिटवीन द एक्सपेंडिचर हम हमेशा ये करते हैं कि हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी जल्दी मिलेगा हमें ठीक है
फिर हीट लोड है, आपने हीट लोड के हिसाब से कूलिंग टावर जो है ना वो करना। अब अगेन तो हीट लोड है ना वो प्रोसेस की से डिटरमिन करेंगे हम, ठीक है। रिक्वायर्ड कूलिंग इज कंट्रोल्ड बाय द डिजायर्ड ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स, जो आपके जो ऑपरेट जिस प्रोसेस है, प्रोसेस की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपने कूलिंग टावर को सिलेक्ट करना है। आपने देखना है कि आपके प्रोसेस को कौन सा ऑपरेटिंग टेम्परेचर चाहिए, यानी कि जो कूलिंग वाटर आउटलेट टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि वही टेम्परेचर आपके प्रोसेस का इनलेट टेम्परेचर होगा। तो यू हैव टू गेट दीज वैल्यूज फ्रॉम द प्रोसेस एंड देन सेलेक्ट अ कूलिंग टावर अकॉर्डिंगली, ठीक है। हाई हीट लोड मीन्स लार्ज साइज ऑफ कूलिंग टावर एंड ऑफ कोर्स लार्ज कॉस्ट, ठीक है। वेट बल्ब टेम्परेचर की कंसिडरेशन हैं, वाटर इज कूल टू टेम्परेचर हायर देन द वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आपने देखना है कि जब आप किसी भी साइट पे कूलिंग टावर लगा रहे हैं तो वहाँ पे जो एम्बियंट कंडीशन है ऑल द ईयर राउंड, उसमें वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, नॉट जस्ट द टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर वो क्या होता है, बिकॉज यू विल नेवर अचीव वेट बल्ब टेम्परेचर इन अ कूलिंग टावर, हमेशा उससे ऊपर ही रहेंगे आप, ठीक है। तो वो जो टावर साइट्स के ऊपर जो कंडीशन हैं यू हैव टू कंसिडर दैट, अगर वहाँ पे कंडीशंस फेवरेबल नहीं हैं तो यू प्रॉब्ली नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, और वो प्रॉब्ली यू हैव टू गो फॉर मोर एक्सपेंसिव और मोर सोफिस्टिकेटेड कूलिंग टावर डिज़ाइन, अगर वहाँ पे ऑलरेडी आपका वेट बल्ब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अब फॉर एग्जांपल आपका एक सिस्टम, एक प्रोसेस है, उसका जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो लेट्स सपोज 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन पूरा साल वहाँ पे जो कंडीशंस रहती हैं, या ऐसा कह लें कि साल के 9 महीने वहाँ पे कंडीशंस ऐसी रहती हैं कि आपका वेट बल्ब टेम्परेचर इज आल्सो 35 डिग्री सेंटीग्रेड और मे बी हायर देन 35 डिग्री सेंटीग्रेड, वहाँ पे आप कभी कूलिंग टावर नहीं लगा सकते, बिकॉज In a cooling tower, you will never achieve that wet bulb temperature. उसके बराबर तो वो आप अगर वहाँ पर wet bulb temperature 35 हो आप तब भी वो अचीव नहीं कर सकते, अगर वो उससे ज़्यादा है 38 या 40 है तो फिर तो बिल्कुल ही भूल जाए। Give me 5 minutes and then I will get back to you.